ये पुलक किसी का है ही नहीं, यकीन करें, ये हमसे ज्यादा मोदी का है। यकीन वो कैसे? मेरे लोग कितने कहके लगा रहे हैं। मेरे एहसासात ऐसे हैं कि यकीन करें मैं कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकता। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे डाई मार लूं, यकीन करें। जो हर्ट हो रही है वो भारत है, और भारत से कुछ लोगों की उनकी ख्वाहिश है कि ये वापस जाए इलेक्शंस में, जाके इलेक्शन लड़े, फिर हो सकता है कुछ पोजीशन बेहतर हो जाए। और दूसरा, खालदा ज़िया साहिबा जो है, उन्होंने ये उनकी स्टेटमेंट ये थी कि हम इंतकाम में नहीं जाएंगे, लेट्स बिल्ड द बांग्लादेश अगेन। क्या हमसे इतना आईटी में आगे है पाकिस्तान? मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे, तो इतना आईटी में आ गया। ये नरेंद्र मोदी लेके आया, मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। मैं बात कर रही हूँ अफगानिस्तान की, जिसे गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान ने अफगानों की भरपूर मदद की, मगर बदले में हमें क्या मिला? बच्चा था, लौंडा लपाड़ा था, जरा छोटे साइज का, इस्लामाबाद में पुलिस वाले ने 2 थप्पड़ मारे उसका, तेरी ऐसी तैसी। उसने कहा जी देखें पुलिस वाले मारते हैं, हम इनकलाब कैसे लाएंगे? तो पुलिस वाले को कुटना नहीं, तेन चुमिया लेनी तेरिया, उन्होंने तेरे गलार पाने। देश की सारी तरक्की जो शेख हसीना के दौर में हुई थी वो धरी की धरी रह गई, और अब हम ये देखेंगे कि आगे, मुझे तो जो फ्यूचर नजर आ रहा है, अगर उनकी जमात इस्लामी रेडिकलाइज्ड लोग इसी तरीके से आते हैं हुकूमत में, गवर्नमेंट में, तो बांग्लादेश तो क्या, यानी वहां पे जो इकोनॉमी है उसकी क्या सिचुएशन रहेगी? पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ना टैलेंट के हवाले से, ना जॉब इंडस्ट्री के हवाले से, किसी ना एजुकेशन के हवाले से, किसी भी चीज से इंडिया से आगे नहीं है। ये कोई हवाई बातें तो नहीं है? तारीख उठाकर देख लें, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की छोटी बड़ी वारदातों के ताने बाने हमेशा अफगान सरजमीन पर ही जाकर मिलते हैं। वो क्या रहा है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, BLA है, TTP है, जमातुल अहरार है। तो ये जुल्म और सितम सहने का वक्त नहीं है, हमें बांग्लादेश में हिंद देश चाहिए, एक अलग हिस्सा काट करके दो और हिंदुओं को सुकून से रहने दो, और कोई टुकड़े टुकड़े गैंग वाला उस हिस्से में नहीं जाना चाहिए। मेरे पास क्या है, मैंने अगले दिन बात की, आप बल्कि डॉक्टर यूनुस साहब वहां पे आ गए, इकोनॉमिस्ट है, हीरो है उनका। आपके पास क्या है, काले बकरे हैं और क्या है? पांच बच्चों की मां ने कहा आप वजीर आजम बन, तो कहा मेरे पैर थले बटेरा आ गया। ये पुलक किसी का है ही नहीं, यकीन करें, ये हमसे ज्यादा मोदी का है। यकीन वो कैसे? मेरे लोग कितने कहके लगा रहे हैं। मेरे एहसासात ऐसे हैं कि यकीन करें मैं कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकता। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे डाई मार लूं, यकीन करें, रोना आ जाए मुझे, यकीन करें। वो क्यों? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हर जगह पे CV मैंने भेजी है, सारे दोस्तों को व्हाट्सअप किया CV, यकीन करें जॉब नहीं मिल रही। इंडिया हमसे इतना IT में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे, तो इतना IT में आ गया। ये नरेंद्र मोदी लेके आया, मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। जबरदस्त। जी 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 बिल्कुल। तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ना टैलेंट के हवाले से, ना जॉब इंडस्ट्री के हवाले से, किसी ना एजुकेशन के हवाले से, किसी भी चीज से इंडिया से आगे नहीं है। आप इंडिया की तारीफ करें, यहाँ पे कोई इंडिया की तारीफ करे उसके बोलते हैं ये एंटी पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो बात देख लेना, इस्लाम में भी ये चीज है कि जो आप झूठ नहीं बोलना, आपने सच बोलना है। मैंने सच, मैं अगर झूठ बोल दूँ कि नहीं नहीं पाकिस्तान आ गया, ये आ गया, तो वो फिर गुनाह मिलेगा ना। सच्ची बात की है मैंने। अच्छा, तो वो वीजा के बगैर यहाँ पर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ये तो आईन के खिलाफ वर्जी है ना। कौन सा आईन? कौन सा आईन? पाकिस्तान का आईन। कौन सा? मैंने तो नहीं पढ़ा आईन पाकिस्तान का, वहाँ पे तो लिखा हुआ है जिसके पास पैसे हैं वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा जी, इंडिया को कहा जाता है पाकिस्तान से डरे, उसके पास एटम बॉम्ब है। कुछ भी नहीं, लोगों को बताने के लिए इन्होंने रखा हुआ एटम बॉम्ब, कुछ भी नहीं है, यकीन करें। मोदी साहब कह रहे हैं हाँ देख के आया हूँ लाहौर जब गया था। मोदी साहब को सारा पता है, इसलिए तो उन्होंने कहा कि देख लेंगे एटम बॉम्ब। अगर होता तो मोदी बच्चा है? मोदी इतना सा बच्चा है कि उसको पता नहीं है? सब कुछ पता होता है उनको। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान चांद बन गया है क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे हैं चांद वाले, ना बिजली है ना पानी है। उन्होंने कहा इनके झंडे पे चांद है, इनके लिए वही काफी है। पाकिस्तान चांद नहीं बना, पाकिस्तान बना है सितारा, जो देखने में नजर भी नहीं आता, यकीन करें रात को, ऐसा सितारा बना है पाकिस्तान, चांद नहीं है। ये जो पाकिस्तान का फ्लैग है ना,
उसके अंदर जो स्टार बना हुआ छोटा सा वो है पाकिस्तान। असल जो हर्ट हो रही है वो भारत है, और भारत से कुछ लोगों की उनकी ख्वाहिश है कि ये वापस जाए इलेक्शंस में, जाके इलेक्शन लड़े, हो सकता है कुछ पोजीशनिंग बेहतर हो जाए। और दूसरा, खालदा जिया साहिबा जो है उन्होंने ये, उनकी स्टेटमेंट ये थी कि हम इंतकाम में नहीं जाएंगे, लेट्स बिल्ड द बांग्लादेश अगेन। उससे आगे चलते हैं बांग्लादेश के हवाले से, वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं रऊफ साहब उनका नाम था, वो रिजाइन कर गए। और दूसरा, वहां के जो स्टेट बैंक ऑफ बांग्लादेश है उसके हेड भी जो है वो रिजाइन करके जा चुके हैं। अभी तक पता नहीं चल रहा कि इस वक्त उनके पास फॉरेन रिजर्व क्या है। 4.5 या 4.7 बिलियन उनके पास था, जो 4 महीने के लिए काफी था, लेकिन उनकी मुसलसल उनकी जो है वो करेंसी डिवैल्यू हो रही है, दे आर गोइंग थ्रू द इश्यूज, लेकिन मेरे ख्याल में संभल जाएंगे। डॉक्टर यूनस हैज लैंडेड इन बांग्लादेश, उन्होंने ओथ अपना ले लिया है। सुना है, मैंने अभी कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था कि जो नाहिद इस्लाम जो के स्टूडेंट लीडर था, वो मैंने पढ़ा है कहीं से कि ही इज बिकमिंग अ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, पता नहीं, कंफर्म मैं नहीं कर सका इसको, लेकिन स्टूडेंट्स दे आर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन देयर। अब आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, जब इस टॉपिक पे हम बोल रहे हैं, आपने कहा कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, एक दफा एक पीटीआई का बच्चा था, लौंडा लपाड़ा था, जरा छोटे साइज का, इस्लामाबाद में पुलिस वाले ने 2 थप्पड़ मारे उसका, तेरी ऐसी तैसी। उसने कहा, जी देखे पुलिस वाले मारते हैं, हम इनकलाब कैसे लाएंगे? तो पुलिस वाले को कुटना नहीं, तेन चुमिया लड़िया तेरिया, उन्होंने तेरे गलार पाने, उन्होंने चंड मार के थोड़ा इनकलाब निकल जाता थलो। चीमा साहब आपका, चीमा साहब आपको पता है कि पठान भाईजान तो फिर नस्वार खा के जलसे जुलूसों में आ जाते, पंजाबी तो अबेंडर कर गए, पीटीआई छोड़ गए। वो कहते हैं हम जुलूस कैसे निकाले, दफा 144 लगी होती है। अरे उस लड़के की वीडियो बड़ी मशहूर है कि हमें, कहते जी हम जुलूस कैसे निकाले, दफा 144 लगी। वही यार, ये तो हर जगह पे इस तरह होता है ना, ये तो फिर आपने निकलना होता है ना। ये मैं आपको कहता था ना, ये पार्टी क्या है, इस पार्टी का कोई, सिर्फ इसकी मौजूदगी कहाँ है, इंटरनेट पर है। हाँ, ये मैं वाकई ही मेडल देना चाहिए हमारे इमरान खान साहब को, जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े घरों के आवारा बच्चे एंगेज कर दिए हैं ऑनलाइन, ये आफरीन है। काश ही अच्छा होता कि इनको ड्राप शिपिंग सिखाते, काश ही अच्छा होता इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेकर जाते, लेकिन ये लौंडा लपाड़ा जितना अमीर लोगों का आवारा बच्चा है उर्दू में ट्वीट कर रहा है सारा दिन, उर्दू, कुछ इंग्लिश के 2 लफ्ज नहीं जानते कुछ। लेकिन चीमा साहब, ये है कि पंजाब का बच्चा, मैं क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूं, मुझे पता है कि मेरे खून के अंदर जिहाद नहीं है, मैं जिहाद नहीं कर सकता। मुझे पार्टी करा लें आप, मुझे भंगड़े डरवा लें, ढोल बजाओ, मैं भंगड़ा बड़ा पाऊंगा, बैजा बैजा करा दा। हाँ, आपको बताया था, हमारे पंजाब के किसी शहर में गलती से किसी साइकिल का टायर फट जाए।